चले रुक कर लेते जबलपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान, मुझे संतोष है कि कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा की सोच को अपना रहे हैं। इंदौर की घटना के बाद सिख समाज पहले से ही कमलनाथ से नाराज है। नरेंद्र सलूजा के बाद ऐसे और भी नाम हो सकते हैं जो भाजपा में शामिल हों। नरेंद्र सलूजा का पार्टी में स्वागत है। बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे संतोष है कि कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता भाजपा की सोच से समर्थित हो रहे हैं और उस सोच को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंदौर की घटना के बाद सिख समाज पहले से ही कमलनाथ से नाराज था, अब नरेंद्र सलूजा के आने के बाद ऐसे और भी कई नाम हैं जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मालूम है कि कमलनाथ जी का और पिछले समय इंदौर में जो वाकया हुआ है खालसा कॉलेज में लेकर के समूचा सिख समाज नाराज है। और ये बात भी सही कि इस बारे में ना तो राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार है, ना प्रियंका उस पर कुछ बोलती है, और बल्कि आगे जा कर के जले पे नमक छिड़कने के समान उनके वहाँ जा कर के राहुल गांधी को इंदौर में रुकवाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई घटनाओं से कई सारे लोग आहत हुए हैं और हो सकता है कि इसके बाद और ऐसे कई नए नाम आपको ध्यान में आएंगे जिनके बारे में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने अपने लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं।